जनपद में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन गोरखपुर विश्वविद्यालय में किया जाएगा, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई है। सभी नगर पंचायतों के नामांकन उनके तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा। इसके अलावा पिपराइज नगर पंचायत के अध्यक्ष व नगर निगम के पार्षद प्रत्याशी विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय में नामांकन करेंगे। मेयर पद के लिए नामांकन पुराने कलेक्ट्रेट में होगा। उन्होंने कहा, नामांकन को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की जा चुकी है। इसके अलावा ट्रैफिक डायवर्जन के लिए ट्रैफिक को निर्देशित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। लोकल बॉडीज के लिए जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक हुई है और इस वर्ष जो नामांकन होंगे सभी नगर पंचायतों के नामांकन उनके अपने अपने तहसील मुख्यालय पर होंगे। केवल पिपराइच नगर पंचायत और नगर निगम के जो मेंबर साहबान हैं, पार्षद साहबान हैं, इनका नामांकन विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के स्थल पर होगा और मेयर पद के लिए नामांकन जो पुरानी कलेक्ट्रेट है वो जो भी इसके आरओ हैं अभी फिलहाल जो आरओ हैं उनके उनके अपने कार्यालय कक्ष न्यायालय कक्ष में होगा। सर, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी वहाँ पे चुनाव के लिए? इस हेतु पुलिस के साथ आवश्यक बैठक कर ली गई है, बैरिकेटिंग इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। विस्तृत प्लान अभी एक दो दिन में एसपी ट्रैफिक के द्वारा जो ट्रैफिक का प्लान होगा वो एसपी ट्रैफिक साहब के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। सर,